हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है भाई। यहाँ पर देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में हुए 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि हमारे पास 27 प्लस क्वेश्चंस आ चुके हैं। जितने की भाई आपको जवाब मिले हैं तो यहाँ पे सभी का जवाब आपको दिया जाएगा। और आपको मैक्सिमम और क्वेश्चन आपको पता हो तो उसको कमेंट करके मैं जरूर बताया, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन का एनालिसिस आपको सेकंड शिफ्ट तक करा दिया जाए, है ना। तो जो क्वेश्चन आपको याद रहे उनको जो है कमेंट करके बताए, अगर कोई क्वेश्चन करा तो उसको भी आप भाई सही सही बताइएगा। ओके, शुरू करेंगे वीडियो और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने ये कि भाई रविंद्र, यहाँ पे रवीना पहला ही क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए भाई, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कौन सी कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भाई गीतांजलि के लिए दिया गया था, याद रखिए गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र का दिया गया था, याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र का। तो आपसे सीधे सीधे पूछे तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, साहित्य के क्षेत्र का, कब दिया गया? 1913 में। उनकी कौन सी पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया, याद रखिएगा। और भारत के जो भाई और नोबेल पुरस्कार पाने उनके लिए आपको वीडियो अपलोडेड है बेस्ट एकदम ट्रिक पर, तो उसको जाके जरूर देखें ताकि आपकी चीज़ एकदम क्लियर हो सके। भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से भाई, किसके है? उर्वरक उत्पादन से, याद रखिए उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। विद्युत द्वारा किसी धातु पर परत चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? उसको क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है, याद रखिए विद्युत लेपन उसको कहा जाता है। जैसे कि किसी इलेक्ट्रिक द्वारा जो जब चढ़ाया जाती है तो उसको जो है इलेक्ट्रो, यहाँ पे विद्युत लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट है यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, यानी सेक्रेटरी जनरल की बात की जा रही है, तो भाई कौन थे? त्रिंगवेली थे। तो आपको क्या करना भाई, यूएनओ के स्थापना इसकी कब हुई, सदस्य देश आपको देख के जाना है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, 2019 में कौन थे, 2018 में कौन थे, ये भी देखा जाना भाई, 2020 में कौन थे और वर्तमान में कौन है। 18, 19, 20, 21 सब देखकर आपको जाना, ताकि पीछे का भी पूछे तो आपको चीज़ें क्लियर एकदम रहे। ओके, नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भाई कौन है? यकृत है, याद रखिए यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे हड्डी तो हड्डी कौन हो जाएगा भाई? फीमर हो जाएगी। सबसे छोटी आपसे पूछ चुका है, स्टेपी के बारे में पूछ चुका है, सभी छोटी मानव हड्डी कौन सी भाई? स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है, फीमर जो है जांग में। इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? नेपाल से कौन सीमा नहीं बनता भाई? झारखंड। देखिए जैसे कि आपका कुछ इस प्रकार से जो है, इसको भी रब किया जाए भाई पूरा। अब देखिए आपका यहाँ से जो है ऐसे उत्तराखंड, उसके बाद जो है सिक्किम वाला एरिया है ना, तो यहाँ से छोटी सी बॉर्डर भाई किसकी लगती है? वेस्ट बंगाल की, ठीक है। ये छोटी सी बॉर्डर जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल की लगती है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल की। उसके बाद इधर जो है पूरी जो है सीमा, इधर जो आधी सीमा है ये किसकी लगती है भाई? बिहार की। इधर बीच में बात की जाए तो यूपी की सीमा है, इधर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ओके, उधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, इधर आपका कौन है भाई? यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। ये आपका ऊपर जो है सिक्किम है, याद रखिएगा ये आपका सिक्किम है, ये भाई नेपाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनके अलावा कोई भी राज्य रहेगा तो वो आपके यहाँ पे सीमा नहीं, जो कि झारखंड आपका नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भाई कौन है? K2, गाडविन ऑस्टिन भी कह सकता है, या गाडविन ऑस्टिन, याद रखिएगा K2 गाडविन या ऑस्टिन है। इसके अलावा दूसरी पूछ सकता है भाई कंचनजंगा, इसके नीचे आप क्या, इसकी ऊंचाई जो है 86 और 85 है, याद रखिएगा भाई। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया भाई? 2 दिसंबर को यहाँ पर राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं जस्ट बगल में 1 दिसंबर को आपका HIV यानी विश्व एड्स दिवस है। 10 दिसंबर की बात की जाए भाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। और 10 दिसंबर को जो क्या भाई नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, निम्न में कौन सी भाषा, कौन किसी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कौन भाई करता है? असेंबलर करता है, याद रखिए असेंबलर के द्वारा जो है किसी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर लिया जाता है असेंबलर के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की भाई? 1951 और 56 के मध्य इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा भाई इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाएं बार बार पूछी जाती है तो इसको आपको जरूर देख के आना। प्रथम पंचवर्षीय योजना भाई किस मॉडल पर आधारित थी, इसमें जो क्या लक्ष्य रखा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थी, कब से कब चलाई गई, क्या लक्ष्य रखा गया था, कब जो है पंचवर्षीय योजना का गैप था, ये सब चीज़ें आपको याद रख के जाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 343 में। देखिए भाई राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है,
राष्ट्रीय भाषा आपका नहीं है, याद रखिएगा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजभाषा के तौर पर चुना गया है। ओके, अनुच्छेद 343 में राजभाषा किसको बनाया गया, हिंदी को। नेक्स्ट है, आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का, कितनी भाई 22 भाषाओं का, जिसमें जो इंग्लिश का नहीं है, इंग्लिश नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा इंग्लिश का जो है इन 22 भाषाओं में वर्णन नहीं, यानी संविधान में इंग्लिश का वर्णन नहीं है। किस बैंक का विलय करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया, भाई किसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, याद रखिएगा। आप सीधे पूछे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कब विलय करके, यानी कब उसको मर्ज करके या उसको कब जो हटा करके उसके स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया, तो 1955 में बनाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे 1955 हो जाएगा। मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को कौन अलग करता है, भाई नेफ्रॉन अलग करता है, याद रखिएगा नेफ्रॉन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। आपसे किडनी की इकाई भी पूछ सकता है, किडनी की इकाई के तौर पर नेफ्रॉन को ही जाना जाए, मात्रक के तौर पर भी नेफ्रॉन को ही पूछ सकता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, भाई कब हुआ था, 1790 से 92, टीपू सुल्तान इसमें थे, याद रखिएगा भाई अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कौन सा कुतुब मीनार के बगल में, कौन सा शासक कुतुब मीनार के बगल में अलाई मस्जिद बना, भाई कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये भाई कुतुब मीनार के बगल में जो है दुगना, मतलब इससे जो है कुतुब मीनार से दुगना ऊंचा जो है यहाँ पर अलाई मस्जिद जो है बनवाना चाहता था, एक मीनार जो है बनवाना चाह रहा था, लेकिन जो है पूरा नहीं करा पाया था। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भाई कहाँ से, नागौर राजस्थान, 1959 में शुरू की गई नागौर राजस्थान से, याद रखिएगा। ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर इसको लाया गया था, त्रिस्तरीय थी। नेक्स्ट है, 2023 का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, कहाँ भाई, भारत में किया जाएगा, याद रखिएगा। और 2019 वाला जो कहाँ पे हुआ था, 2019 वाला भाई कहाँ पर किया गया था, याद रखिएगा लंदन में किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व बैंक, सॉरी लंदन यहाँ पे आपका जो है इंग्लैंड और वेल्स हो जाएगा, लंदन तो भाई वहाँ का स्पेसिफिक प्लेस होगा, लेकिन इंग्लैंड और वेल्स आपको याद रखना है, ठीक, इंग्लैंड और वेल्स। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी भाई, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिए भाई। विश्व बैंक के अब यहाँ पे अध्यक्ष आपको याद रख के जाना है, उसके सहायक सलाहकार कौन है, इसके भाई और क्या क्या कार्य है, सारी चीज़, IMF के बारे में भी आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पर, सारी चीज़ आपको देख कर जाना है। इल्बर्ट विल किस वायसराय के शासनकाल में आया था, कब के भाई, लॉर्ड रिपन के। इसरो ने 2019 में कौन सा सेटेलाइट प्रक्षेपित किया, भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसकी लगाया गया, क्योंकि इसके बारे में ऑप्शन जैसे रहेगा तब ये पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सी सेटेलाइट लॉन्च की गई थी। इनमें कौन सी नॉन वोलेटाइल रोम होती है, भाई जैसे रैम हो गया, ये आपका वोलेटाइल हो गई, अगर DD दिया रहेगा ओके तो भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लास्ट क्वेश्चन आपके तीन है भाई, निम्न में कौन कभी RBI के गवर्नर, भाई देखिए ऑप्शन के अनुसार ही ये भी हो पाएगा कि ऑप्शन में कौन कौन है, उसी के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली और किस शहर के मध्य बायो जीवाश्म ईंधन से हवाई जहाज उड़ान भरा था, तो भाई कौन, देहरादून था, दिल्ली से देहरादून तक जो इसको उड़ाया गया था बायो जीवाश्म के द्वारा। संकटग्रस्त व विलुप्त प्रजातियों को किस बुक के अंतर्गत रखा जाता है, तो यहाँ पे जो डाटा उनका बनाया था किसके, रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है, याद रखिएगा भाई। ओके भाई, जितने हमारे पास क्वेश्चन थे सभी को यहाँ पे एनालिसिस करा दिया गया, बाकी जो है आपको जिनका आंसर पता हो या जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लग रहा है गलत है तो उसको जो है हमें कमेंट करके बताएं, और सही क्वेश्चन का भाई क्या है उसको हमें जरूर बताएं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के साथ सभी क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे, थैंक यू।